किड्स वर्सेस एडल्ट्स चैलेंज। सीतापुर के गांव में एक ही एक स्कूल रहता था। एक दिन स्कूल में सारे बच्चे हल्ला मचा रहे थे। लेकिन स्कूल मास्टर मदन तो दुखी से आकर क्लास में बैठा हुआ था। सारे बच्चे उनको देखकर हैरान रह गए। तब वरुण कहकर एक बच्चा, क्या हुआ है सर, क्यों ऐसे परेशान से बैठे हो, हम इतना हल्ला मचा रहे हैं, लेकिन अब तो कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। कहा तब मदन, आप कितना हल्ला करोगे कर लो, फिर से आपको हल्ला मचाने का मौका मिलेगा कि नहीं। कहा तब बच्चे और भी हैरान रह गए, उनको कुछ भी समझ में नहीं आया। तब वरुण, ये आप क्या कह रहे हैं सर, फिर से हल्ला मचाने का मौका क्यों नहीं मिलेगा। पूछा तब मदन, वो पहलवान भिक्षु नायक का नजर हमारे स्कूल पर गिरा है, हमारा स्कूल का जगह उसका है कहकर नकली कागजात बनवाया है, हमें स्कूल खाली करवाने के लिए 1 महीने का वक्त दिया है, कल से आप सबको स्कूल आने का जरूरत नहीं है। कहा तब वरुण, ये क्या है सर, ऐसा कैसे करेंगे, इधर का अगल बगल गाँव में ये एक ही स्कूल है, अगर ये बंद हो जाएगा तो 15 किलोमीटर तक कहीं भी स्कूल नहीं है, हम कोर्ट में केस लगाएंगे सर। कहा तब मदन, कोर्ट में केस साबित होने तक तुम्हारे पोते स्कूल जाने का समय हो जाएगा, हमें और एक रास्ता नहीं है, सब लोग आपको जहाँ चाहिए उधर दूसरा स्कूल में जाकर ज्वाइन हो जाइए। कहा तब वरुण, और 1 महीना समय है ना सर, कुछ ना कुछ तो करेंगे। कहा उस शाम सारे बच्चे परेशान होकर स्कूल से वापस निकले। पिंटू कहकर एक बच्चा वरुण से, अरे वरुण, भिक्षु नायक कहे तो पुलिस भी डरते है कहकर मेरा पिता ने कहा। कहा बन्नू कहकर और एक बच्चा, भिक्षु को कबड्डी कहे तो बहुत पसंद है कहकर सुना, नेशनल लेवल में भी कबड्डी खेला था। कहा तब पिंटू, उसका आकार देखते ही डर के मारे पसीने निकल जाते हैं, तो उसके सामने खड़े होने का हिम्मत किस में रहता है और उनसे बात करने का हिम्मत किस में रहता है। कहा ऐसे वे तीनों बातें करते करते रास्ता खोकर जंगल में पहुंच गए। जंगल में गए हैं ये बात नहीं जानकर एक पेड़ के नीचे बैठकर उनका स्कूल को भिक्षु नायक से कैसे बचाना है कहकर बातें करने लगे। इतने में उधर एक राक्षस प्रकट हुआ। वो राक्षस, कौन हो तुम लोग, जोर जोर से बातें करके मेरा नींद खराब कर दिया है, आपको इधर ही कहा जाऊंगा। कहा तब वो तीनों उस राक्षस को देखकर बिल्कुल भी नहीं डरे। तब वरुण, हमारा भिक्षु नायक तुमसे भी भयानक है, तुमको देखकर हमें तो बिल्कुल डर नहीं लग रहा है। कहा तब राक्षस, क्या एक इंसान होते हुए मुझसे भी भयानक दिखता है, उसके बारे में मुझसे कहिए। कहा तब वे तीनों मिलकर राक्षस को उनका स्कूल प्रिंसिपल ने जो कहा वो बताए। तब पिंटू, इसलिए हम तीनों मिलकर हमारे स्कूल को कैसे बचाना है कहकर बात कर रहे हैं। कहा तब राक्षस, आपको देखकर बहुत खुश हो रहा है, मैं आपका मदद करता हूँ, आप तीनों मैं जैसा कहता हूँ वैसे कीजिए, कहकर उनसे कुछ कहा। तब वे तीनों, ठीक है ऐसे ही करेंगे, कहकर खुश होकर उधर से चले गए। अगले दिन वरुण, बन्नू और पिंटू तीनों मिलकर भिक्षु नायक के घर गए। वरुण भिक्षु से बिल्कुल डरे बिना, भिक्षु अंकल, अब कबड्डी टूर्नामेंट में नेशनल लेवल में खेले है कहकर सुना, हमको आपके साथ बैट मैच खेलने का मन हो रहा है। कहा तब भिक्षु कहकर जोर से हंसकर, क्या बैट मैच खेलना है और वो भी मुझसे, जान पर आश रखकर ही आए हैं क्या तुम लोग। कहा तब वरुण, हम हार जाएंगे कहकर हमें पहले से ही पता है अंकल, लेकिन स्कूल के लिए कम से कम लड़ाई तो किया और वो भी आपसे कहकर हमें नाम मिलता है ना, इसलिए आए हैं। कहा तब भिक्षु कुछ कहने वाला ही था, तब उनका असिस्टेंट भिक्षु से, बस आप MLA जैसा खड़े होने के लिए देख रहे हैं ना, लोगों में आपका अच्छा नाम कमाने के लिए इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। कहा तब भिक्षु वरुण से, ठीक है आपका शर्त क्या है बताइए। कहा तब वरुण, अगर आप हार जाएंगे तो हमारे स्कूल हमारे लिए छोड़ना होगा अंकल। कहा तब भिक्षु जोर से हंसकर, ठीक है। कहा मुकाबला का दिन आ ही गया, कबड्डी खेलने के लिए सब इंतजाम हुआ, एक तरफ स्कूल के बच्चे खड़े थे तो एक तरफ भिक्षु और उनके आदमी खड़े थे। ये मुकाबला देखने के लिए गांव वालों के साथ साथ अगल बगल गांव से भी बहुत लोग सीतापुर स्कूल में आए।
पहले वरुण गया। वरुण कबड्डी 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 कहते हुए उनके पास जाकर फिर वापस आ गया। सब लोग तालियां बजाए। बाद में भिक्षु के आदमी एक एक कबड्डी एक कबड्डी एक कबड्डी एक कबड्डी कहकर उन बच्चों के पास गया। पिंटू उसे पकड़कर आसानी से उठाकर लाइन से बाहर फेंक दिया। ये देखकर सब लोग हैरान रह गए। इतने में भिक्षु गुस्से से अरे कौन हो तुम लोग, इधर क्या हो रहा है कहकर आगे आया। तब वरुण भिक्षु को एक हाथ से उठाकर दूर फेंक दिया। बाकी के बच्चे भिक्षु के आदमियों को आसानी से उठाकर लाइन से बाहर फेंक दिए। सब लोग तालियां बजाने लगे। भिक्षु को बहुत अपमान लगा। तब भिक्षु ने स्कूल का कागजात स्कूल प्रिंसिपल मदन को देकर गांव छोड़कर चला गया। तब वरुण पिंटू और बन्नू जंगल में भागते हुए जाकर उनका सहायता करने के लिए उस राक्षस को धन्यवाद कहे।